क्लास एलेवन चैप्टर नंबर नाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल आर डी शर्मा का एम सी क्यू है एम सी क्वेश्चन नंबर सेवन है इफ इन ट्राइंगल ए बी सी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू ज़ीरो दैन ए एट बी काट सी क्या होगा ठीक है ये काट है ना देखिए हमारे पास ये ये ए बी सी है ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है ठीक है मतलब क्या बोलना इस, इस देखिए इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी वन एटी डिग्री के बराबर है ठीक है क्योंकि आप जानते हो ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ वन एटी डिग्री ओके अब आप क्या करो इस सी को इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस सी ठीक है अब देखिए अब यहाँ पे टैन है ना तो आप दोनों तरफ टैन लगा लो टैन ए प्लस बी इक्वल टू टैन वन एटी डिग्री माइनस सी ओके अब देखिए टैन वन एटी डिग्री माइनस थेटा क्या होता है देखिए वन एटी डिग्री माइनस थीटा ये सेकेंड क्वार्टर में और सेकेंड क्वार्टर में टैन नेगेटिव होता है. तो ये माइनस टेन थीटा हो जाता है ठीक है तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन सी माइनस टेन सी ठीक है अब देखो अब आप यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दू टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी ठीक है तो ये क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी इक्वल टू माइनस टेन ठीक है अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू माइनस टेन सी इंटू में वन माइनस टेन ए टेन ठीक है अब देखिए ये क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अब अंदर मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा माइनस टेन सी प्लस टेन ए टेन बे, टेन सी ठीक है अब आप क्या करो देखिए आपको टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी चाहिए था तो आप इस टेन सी को इधर ले आओ ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बे प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बे टेन सी ओके अब देखिए टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी आपको क्या की है जीरो के की तो ये ज़ीरो हो जाएगा टेन टैन ए टेन बी टेन सी तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा टेन टैन ए ट बी टेन से इक्वल टू सी ये आपका ज़ीरो हो गया आपको क्या चाहिए था कॉट ए कॉट बी कॉट सी तो आप इनको काट में ही कन्वर्ट कर दो तो टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा होता है तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉट ए इंटू वन अपॉन कॉट बी इंटू वन अपॉन कॉट सी इक्वल टू जीरो ठीक है अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी और देखिए यहाँ पर है जीरो अपॉन वन तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन जीरो दैट इज इंफिनिटी कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दैट इज डनते ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, है कॉस थेटा इक्वल टू तो वन बाई टू ए प्लस वन अपॉन ए कॉस थ्री थेटा इक्वल टू तो लेमडा एक्वा ए, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब देन लेमडा क्या होगा ठीक है तो आपको कॉस्ट थ्री थीटा चाहिए देखिए हम क्या करेंगे कॉस थ्री थीटा निकालेंगे और हम फिर इससे इस कंपेयर कर लेंगे ओके तो आप करो कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा आप कॉस थीटा की वैल्यू रख दो फोर वन बाय टू ए प्लस वन बाय ए का होल क्यूब माइनस थ्री वन बाय टू ए प्लस वन अपॉन ए ठीक है आप इसको ओपन करो वन बाई टू टू का क्यूब एट ए प्लस वन अपॉन ए का क्यूब माइनस थ्री वन बाई टू ए प्लस वन अपॉन ए ठीक है इससे आप कैंसिल कर दो और के टेबल से ये हो जाएगा वन बाई टू अब आप एक क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ ये हो जाएगा ए का क्यूब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है एक क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब तो ए का क्यूब दिस इज ए दिस इज ए दिस इज बी प्लस थ्री ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर इंटू बी फिर थ्री ए बी का स्क्वायर देखिए ए और बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब ये हो गया माइनस थ्री बाई टू ए प्लस वन अपॉन ए ये ए से ये है कैंसल इस ए से ये है कैंसल वन बाई टू ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू देखिए आपको यही चाहिए इसको साइड में कर लो आप यहाँ से थ्री कॉमन करो ये हो जाएगा थ्री ए प्लस वन अपॉन ए माइनस थ्री बाई टू ए प्लस वन अपॉन ए तो ये क्या बनेगा वन बाई टू ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू आप वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो थ्री बाई टू ए प्लस वन अपॉन ए माइनस थ्री बाई टू ए प्लस वन अपॉन ए तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल क्या हो गया वन बाई टू ए क्यू प्लस वन अपॉन ए आप कंपेयर करो देखो कॉस थ्री थीटा इज लेमडा एक और लेमडा आपका क्या हो जाएगा लमडा यहाँ से आपका वन बाई टू हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगर हमको कॉस एन थीटा भी पूछ लेता ना तो हमारा आंसर वन बाई टू ही आता देखिए क्यों क्योंकि कॉस थीटा में वन बाई टू देखिए थीटा यहाँ पर क्या यहाँ पर वन थीटा तो ए की पावर वन अपॉन ए अब नहीं यहाँ पर थ्री थीटा है तो वन बाई टू ए क्यू प्लस वन अपॉन ए इसी तरह से अगर आप कॉस टू थीटा भी निकालते ना तो यहाँ ऐसा बनता वन बाय टू अगर आप कॉस टू थीटा भी निकालते तो क्या बनता वन बाय टू ए स्क्वायर और वन अपॉन ए स्क्वायर तो अगर कॉस एन थीटा भी पूछता ना तो लेमडा क्या हो जाता वन बाय टू ही हो जाता ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है इफ़ टू टेन अल्फा थ्री टेन बीटा then टेन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा तो हमको यहाँ पे टेन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना तो टेन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा ठीक है ये होता है। अब देखिए हमको क्या की है न टू टेन अल्फा इक्वल टू थ्री टेन बीटा हम जब एम सी क्यू कर रहे होते हैं ना तो हमको ऑप्शन में भी ध्यान रखना होता है देखिए हर जगह बीटा है हर देखिए यहाँ पे भी बीटा है यहाँ पर भी बीटा है यहाँ पे भी बीटा है, है, है। मतलब हमको अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है क्या करना, करना है अल्फ़ा को एलिमिनेट करना तो आप अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दो तो यहाँ से टेन अल्फा क्या हो जाएगा थ्री बाई टू टेन बीटा हो जाएगा ठीक है आप रख दो टेन अल्फा की जगह थ्री बाई टू टेन बीटा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस थ्री बाई टू टेन बीटा टेन बीटा ठीक है अब देखिए थ्री बाई टू में से वन गया ये हो जाएगा वन बाई टू वन बाई टू टेन बीटा अपॉन वन प्लस थ्री बाई टू टेन बीटा इंटू टेन बीटा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा अब यहाँ से एलसीएम ले लो ये हो जाएगा वन बाई टू टेन बीटा अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर टू प्लस थ्री टैन स्क्वायर बीटा अपॉन टू ये टू से ये टू कैंसिल तो क्या बन जाएगा टेन बीटा अपॉन टू प्लस थ्री टेन स्क्वायर बीटा अब देखिए यहाँ से आप सॉल्व करने में दिक्कत मतलब इतना आसान होगा नहीं तो आप क्या करो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो टेन को आप साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लो आसान हो जाएगा ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा ये हो जाएगा टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस देखिए जब भी टेन में सॉल्व होना बंद हो जाए ना कुछ भी रहे टेन रहे कॉट रहे कोसेक रहे सेक में रहे आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो आपका सॉल्व आसानी से हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप एलसीएम ले लो आप कोशिश करो कि हम चीज़ों को कॉस और साइन में लिखें तो बेहतर रहता है ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा ठीक है ये कॉस से ये कॉस कैंसिल ये कॉस बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर बीटा ठीक है अब हम क्या करो देखिए ऊपर में हमको साइन टू बीटा बनाना है तो साइन टू बीटा क्या होता है अच्छा आप सॉल्व करो अभी ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा आप इसको कॉस में कन्वर्ट करो तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन के बराबर होता है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस थ्री वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस थ्री माइनस थ्री कॉस स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन देखिए टू में से थ्री गया माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा ठीक है अब आप देखो देखिए आपको नीचे क्या चाहिए कॉस टू बीटा चाहिए ना और कॉस टू बीटा का फॉर्मूला कॉस में क्या होता है टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन यही होगा कॉस टू थीटा का फार्मूला कॉस में क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन यही होता है तो यहाँ पे भी यही है ठीक है आप इस वन को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस टू बीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा मतलब हमने क्या किया ना इस वन को इधर शिफ्ट किया ये हो गया वन प्लस टू इक्वल टू टू कॉस स्क्टा और इस टू को नीचे भेज दिया तो इसके जगह आप यही लिख दो थ्री माइनस वन प्लस कॉस टू बीटा अपॉन में टू ठीक है अब आप क्या करो एलसीएम ले लो हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर टू इंटू थ्री सिक्स माइनस अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस वन माइनस कॉस टू बीटा अपॉन टू ठीक है ये टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा टू साइन बीटा कॉस बीटा सिक्स में वन गया फाइव कॉस टू ठीक है अब देखो साइ टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा होता है तो देखिए टू साइन बीटा कॉस बीटा क्या हो जाएगा साइन टू बीटा हो जाएगा अपॉन फाइव माइनस कॉस टू बीटा अब देखो साइन टू बीटा फाइव माइनस कॉस बीटा टू बीटा तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है इफ़ टेन अल्फा इक्वल टू वन माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा देन कौन सा ऑप्शन देखिए आप डायरेक्ट इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे जैसे आप सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू ठीक है और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू स थीटा बाई तो ये देखिए आपका क्या बन जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा सॉरी बीटा बाय टू अपॉन टू साइन बीटा बाय टू कॉस बीटा बाय टू साइन से साइन कैंसल टू से टू कैंसल तो टेन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा बाय टू कॉस बीटा बाय टू तो देखिए टेन अल्फा आपका क्या हो जाएगा टेन अल्फा टेन बेटा बाय टू हो जाएगा तो यहां से तो कोई पता चल नहीं रहा है तो हम एक करके ऑप्शन चेक करते हैं तो हम पहले ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं तो देखो टेन थ्री अल्फा क्या हो जाएगा टेन थ्री अल्फा क्या होता है थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा थ्री टेन बीटा बाई टू माइनस टेन क्यूब बीटा बाई टू अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर बीटा बाई टू सॉल्व कर पाओगे क्या अच्छा हम देखते हैं वैल्यू पुट करके रहने देते हैं उसके तो बाद हम देखते हैं किसको सॉल्व कर पाएंगे देखिए टेन टू अल्फा टेन टू अल्फा क्या होता है टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा तो टू टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू देखो ऐसे तो नहीं होगा ना आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करो तो देखिए टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस और ये भी हो जाएगा साइन अपॉन कॉस देखिए टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है इसको भी अभी हम करके देखते हैं टू साइन बीटा बाई टू कॉस बीटा बाय टू आप एल्सियम ले लो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय टू अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू एक स्क्वायर से ये स्क्वायर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा टू साइन बीटा बाय टू कॉस बीटा बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय टू अब देखिए टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू क्या होता है साइन थीटा ये हो जाएगा साइन बीटा और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस टू थीटा देखिए यहाँ पर थीटा है यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर डबल हो गया दैट इज टू थीटा यहाँ पर बीटा बाई टू है बीटा बाई टू है तो इसका डबल क्या हो जाएगा बी टू इंटू दैट इज बीटा तो ये बीटा साइन फोन टेन टू अल्फा इसके बराबर आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसको चेक करोगे तो नहीं बनेगा ठीक है देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू बी देन टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू क्या होगा ठीक है देखिए अगर आप यहाँ पे सोचोगे ना कि हम साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देते हैं तो क्या बनेगा साइन सी प्लस डी प्लस डी बाई टू हम्म शायद काम हो जाएगा यही करो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए ये इक्वेशन फर्स्ट है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू बी इक्वेशन सेकेंड हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाए फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ठीक है तो हमारा टेन बन जाएगा अब देखिए साइंस सी प्लस साइन डी क्या होता है साइंस सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डे बाई टू इन कॉस सी माइनस डी बाई टू ठीक है और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है माइनस टू साइन सी प्लस डे बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू ठीक है तो देखिए ये बनेगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू ये आपका सी ये आपका डी तो सी के जगह अल्फा है और डी के जगह बीटा है तो क्या बनेगा टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय टू इक्वल टू ए ठीक है और यहाँ पर आप देखिए ये आपका सी है और ये आपका डी है तो हो जाएगा माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू इक्वल टू बी ठीक है अब हमको देखिए अब हमको टेन चाहिए तो टैन क्या होता है टेन हम हमारा साइन अपॉन कॉस होता है ठीक है तो देखिए साइन यहाँ पर है देखिए ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से या फिर आज ऐसे समझो कि टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू क्या हो जाएगा ए अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू यही होगा ना तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी वैल्यू रख दो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू ठीक है आप माइनस ए को इधर भेजो आप माइनस ए को इधर भेजोगे हो जाएगा माइनस बी बाई ए और देखिए साइन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन हो जाता है तो आपका टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा माइनस बी अपने ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ओके ने? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नहीं लिखे हुए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क् माइनस टू टेन एक्स कॉट टू एक्स ठीक है हमको इसकी वैल्यू निकालनी तो मैंने क्या बोला कि आपको कोई सा भी चीज़ सॉल्व करने को दे रखा हो ट्रिग्नोमेट्री में आप उसको कोशिश करो कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो देखिए आप साइन और कॉज में कन्वर्ट कर कर दोगे ना तो आपका लगभग क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा और आपको ठीक है तो आप साइन साइन और कॉज में कन्वर्ट करो देखिए कॉट क्या होता है कॉट होता है कॉस अपॉन साइन ठीक है टैन क्या होता है टैन होता है साइन अपॉन कॉस कन्वर्ट करो देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू यहाँ पे भी ऐसे ही करो वन माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स ठीक है अब हम यहाँ पे एलसीएम लो ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायेर एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर ठीक है अब देखिए यहाँ पर आप कॉस टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाओ साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स यही होता है? वन माइनस टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स अपॉन में ये वाला फॉर्मूला टू साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है टू से टू कैंसिल साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल तो ये क्या हो गया अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस टू थीटा होता है ठीक है तो कॉस स्क्र थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायेयर थीटा बाय टू का क्या होगा देखिए यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या आया टू थीटा है मतलब इसका टू टाइम्स हो गया इसका डबल हो गया आप ऐसा भी समझ सकते कि थीटा प्लस थीटा टू थीटा हो गया तो थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू थीटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायेर वन माइनस ये हो जाएगा कॉस टू एक्स अपॉन में कॉश एक्स कोश एक्स इंटू कोश एक्स ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स ठीक है अब पावर अलग अलग कर लो पावर अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर ठीक है अब अब यहाँ पे एलसीएम लो तो ये क्या बनेगा ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर एक्स ये वन इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस टू एक्स अपऑन कॉस स्क्वायर एक्स यही होगा कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसर ये हो जाएगा वन अपॉन पावर फिर से अलग अलग कर दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अब आप यहाँ पे क्या करो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाओ देखिए यहाँ पर कॉस है ना तो आप कॉस का ही वाला फार्मूला लगा दो तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला कॉस में क्या होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन यही लगाओ टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन ठीक है ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस अंदर तो माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू ठीक है अब देखिए वन माइनस टू माइनस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना तो ये हो गया प्लस ठीक है अब देखो ये क्या बनेगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इसको आप ऐसा लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर ठीक है आप ध्यान से देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ठीक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है आपको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन अफ ऑन साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ठीक है वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू अब साइन एक्सर ऐसा भी लिख सकते हो साइन एक्स ठीक है अब देखो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू तो आप यहाँ पे यही लगाओ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू तो साइन एक्स की जगह ये टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर ठीक है वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू देखिए टू का स्क्वायर करोगे फोर हो जाएगा और इसका पावर भी अलग अलग कर दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल तो आपका क्या बचा फोर बच गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा तो फोर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट अब देख लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है टेन थेटा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या देखिए टेन था साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस नाइनटी माइनस थीटा अब आप देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो आप ये जीरो डिग्री है ये नाइन्टी ये वन एट्टी ये टू सेवेंटी ठीक है अब आप देखो पाई बाय टू में आपने कुछ माइनस किया तो वो कहाँ पर आ जाएगा यहां पर आ गया देखिए पाई बाय टू में आपने कुछ माइनस किया ये हो गया ठीक है तो कॉस पाई बाय टू माइनस क्या होता है पाई बाय टू माइनस देखिए पाई बाय टू क्या है पाई बाय टू नाइनटी है तो आप नाइन्टी को लिख सकते हो ना नाइनटी इंटू वन ये वन क्या है वन ऑड है तो जब ऑड होता है तो क्या होता, होता है देखिए फाइव बाई टू माइनस थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख दो अब देखिए जब ऑड मल्टीपल हो ना तो चेंज हो जाता है कॉज का क्या आ जाता है साइन साइन थीटा ठीक है तो हम इसके जगह साइन थीटा लिख सकते हैं ओके okay? अब आप देखो टेन थीटा की जगह तो आप टेन के हम जगह क्या लिख सकते हैं साइन थीटाफोन कॉस थीटा लिख सकते हैं तो देखो साइन थीठापोन कॉस थीटा लिख दो ठीक है अब देखो पाई बाय टू प्लस थीटा पाई बाय टू में आप कुछ ऐड किए वो कौन सा कॉर्डेंट में है मान लो आप ये आ गया थीटा ठीक है ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा ठीक है ठीक ये आ गया थीटा तो ये कौन सा कॉर्डन में आया ये आपका सेकेंड क्वार्टर में और सेकेंड क्वार्डर में साइन क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है अब आप देखो पाई बाई टू क्या है नाइन्टी इंटू वन हम पाई बाई टू को नाइन्टी डिग्री लिख सकते हैं और नाइन्टी को नाइन्टी इंटू वन लिख सकते हैं वन क्या है ऑड मल्टीपल है नाइन्टी का तो ऑड मल्टीपल के केस में क्या होता है साइन का कॉस आ जाता है कॉस थीटा ठीक है तुम तो इसके जगह लिख दो कॉस थीटा ठीक है अब देखो ये कॉस और ये कॉस कैंसल ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा ठीक है देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आप साइन स्क्वायर को आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोनों ठीक है देख लो